विष्णुगुड़ प्रखंड के गैड़ा पंचायत के चकचुको गांव निवासी पूर्व पंचायत समिति सदस्य सह जनवितरण प्रणाली के विक्रेता गोपीचंद प्रसाद की विष्णुगढ़ से लौटने के क्रम में सबला डिमोड के तिरहटवा के समीप अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दो अपराधी बाइक से आए थे और डीलर गोपीचंद को 5 गोली मारकर चलते बने। गोली सिर पर, पेट पर और हाथ में मारी गई थी। घटनास्थल से 6 खोखा पुलिस ने बरामद किया। गोली किसने मारी यह पता नहीं चल पाया। इस संबंध में थाना प्रभारी रामनारायण सिंह के पूछे जाने पर बताया कि अज्ञात अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की सघन जांच पड़ताल की जा रही है। बहुत जल्द अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। परिजनों के अनुसार गोपीचंद अपने बच्चे के नामांकन के लिए जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन करवाकर लौट रहे थे। इसी क्रम में सबलाडी मोड़ के पास घात लगाकर बैठे दो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जब वे भागने लगे तो अपराधियों ने दौड़ाकर गोली मार दी और भागने में कामयाब रहे। घटनास्थल से 6 खोखा एक जोड़ी चप्पल बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए भेज दिया है। गांव में शोक का माहौल है एवं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। डीलर के 2 पुत्र एवं 1 पुत्री गोपीचंद की हत्या के बाद यह भी चर्चा की गई कि डीलर की हत्या NSPM द्वारा की गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। स्वदेश वाणि के लिए विष्णुगढ़ से सुबोध कुमार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।